बैतूल जिले की आज की प्रमुख खबरें। बैतूल 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर कल बैतूल जिला मुख्यालय पर राज्य मंत्री श्री नारायण पवार ने फहराया राष्ट्रध्वज। इस दौरान ली परेड की सलामी। देश के 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मौके पर कल बैतूल में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार मत्स्य पालन एवं मछुआ कल्याण श्री नारायण सिंह पवार ने तिरंगा फहराया। उन्होंने पुलिस परेड ग्राउंड पर आयोजित मुख्य समारोह में परेड की सलामी लेकर मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया। इस मौके पर बैतूल कलेक्टर श्री नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी एवं बैतूल पुलिस अधीक्षक श्री सिद्धार्थ चौधरी भी मौजूद रहे। बैतूल रौंधा गांव में खेत में मिला एक युवक का शव, पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए पहुंचाया जिला चिकित्सालय। पुलिस द्वारा शव के शिनाख्त का किया जा रहा है प्रयास। बैतूल शीतलझीरी गांव में गन्ना कटाई कर रहा एक मजदूर फरसा लगने के बाद हुआ घायल, पीड़ित को बैतूल के जिला चिकित्सालय में करवाया गया भर्ती। बैतूल पुलिस परेड ग्राउंड में राज्य मंत्री श्री नारायण पवार ने शहीदों के परिजन, मीसाबंदियों एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों का कल किया स्वागत। बैतूल के पुलिस ग्राउंड में कल गणतंत्र दिवस की परेड में सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने बिखेरी अलग छटा। आदिवासी संस्कृति को उजागर करते हुए कई झांकियों ने लोगों का मोहा मन। बैतूल के गुरु साहिब दरबार मलाजपुर में लग रहा है भूतों का मेला। तकरीबन 400 सालों से यह परंपरा जारी। गुरु साहब की समाधि की उल्टी परिक्रमा लेते ही ठीक हो जाते हैं लोग। बैतूल से 40 किलोमीटर दूर गुरु साहब बाबा की समाधि स्थल मलाजपुर में पूर्णिमा पर हर साल मेले का होता है आयोजन। तकरीबन एक महीने तक लगता है मेला, जिसे कहा जाता है भूतों का मेला। इसको लेकर परेड की सलामी लेने पहुंचे मंत्री श्री नारायण पवार ने भी कल मलाजपुर के भूतों के मेले का किया रुख। बैतूल सहायक यंत्री ने बचाए कंपनी के 4 करोड़ रुपए। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने पुरस्कार देकर किया सम्मानित। जिले के एसटीआरई की रिपेयरिंग यूनिट में कार्यरत प्रबंधक राकेश सावले को मिला पुरस्कार। मुल्ताई के तहसील कार्यालय में 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर कल मुल्ताई एसडीएम तृप्ति पटेरिया ने फहराया तिरंगा, मनाया गणतंत्र दिवस। मुल्ताई प्रभातपट्टन के वंडली अंतर्गत पिता की हत्या करने वाले कलयुगी पुत्र को पुलिस ने किया गिरफ्तार। इसको लेकर कल मुल्ताई एसडीओपी सुरेश सिंह पाल ने दी पूरी जानकारी। मुल्ताई थाना क्षेत्र के ग्राम करासपानी में एक बेटे ने अपने पिता की हत्या कर दी थी। पुलिस ने घटना के 24 घंटे के भीतर ही आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। अपने पिता की हत्या करने के बाद आरोपी फरार होने की नीयत से भाग रहा था, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी कर खेड़ी रामोसी के पास से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मुल्ताई के हाई स्कूल मैदान पर कल संपन्न हुआ 75वां गणतंत्र दिवस। इस दौरान पीटी और परेड का भी हुआ आयोजन। विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं ने इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों की दी प्रस्तुतियां। वहीं मुख्यमंत्री के संदेश का भी हुआ वाचन। मुल्ताई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराधिकारी संगठन के द्वारा कल नगर के बस स्टैंड मुल्ताई पर
वट वृक्ष के पास मनाया गया 75वां गणतंत्र दिवस समारोह। इस दौरान किया गया झंडा वंदन। मुल्ताई में मनाया गया 75वां गणतंत्र दिवस समारोह। गांधी चौक में नगरपालिका अध्यक्ष सीएम राइज स्कूल मैदान में जनपद अध्यक्ष ने फहराया झंडा। इस दौरान विधायक श्री चंद्रशेखर देशमुख सहित प्रशासनिक अधिकारियों का अमला रहा मौजूद। मुल्ताई, कर वसूली के लिए नगरपालिका मुल्ताई ने शुरू किया अभियान। मुल्ताई वासियों पर तकरीबन 3 करोड़ रुपए से ज्यादा का टैक्स बकाया। इसको लेकर नगरपालिका सीएमओ श्री आर के इवनाती ने दी पूरी जानकारी। बताया, नोटिस जारी कर लोगों से जल्द की जाएगी वसूली। मुल्ताई, बैतूल जिले में मुल्ताई थाना टॉप पर। बैतूल सांसद एवं बैतूल विधायक ने थाना प्रभारी प्रज्ञा शर्मा को शील्ड देकर किया पुरस्कृत। 2023 में जिले में शहरी थानों की समस्त कार्रवाइयों में समग्र मूल्यांकन के बाद मुल्ताई थाने एवं थाना प्रभारी को प्रथम पुरस्कार देकर किया गया कल सम्मानित। आमला के एयरफोर्स पंखा रोड के ब्रेकर पर लगातार हो रहे हैं सड़क हादसे। हादसों के बाद वार्डवासियों ने जेब्रा लाइन पट्टी बनाई। वायुसेना के अधिकारियों द्वारा नहीं दिया जा रहा था ध्यान। शाहपुर के महात्मा मनसुखदास बाबा मेले में 2 दिवसीय रामसत्ता प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। शाहपुर में सीएम राइज स्कूल के मैदान में आयोजित किया गया गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों की दी गई प्रस्तुतियां। घोड़ा डोंगरी में नगर परिषद ने सांस्कृतिक कार्यक्रम किए निरस्त। गणतंत्र दिवस समारोह का मंच कुएं पर बनाए जाने के बाद बच्चों की प्रस्तुतियां नहीं होने से लोग थे नाराज। घोड़ोंगरी में शुक्रवार को नगर परिषद द्वारा गणतंत्र दिवस पर आयोजित किया जाने वाला कार्यक्रम नहीं हो पाया। ध्वजारोहण के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाने से लोगों में खासी नाराजगी दिखाई दी। इसके लिए परिषद को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। आपको बता दें कि नगर परिषद उपाध्यक्ष ने इसके लिए सीएमओ ऋषिकांत यादव पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। भीमपुर में राष्ट्रीय सम्मान के साथ कल हुआ ध्वजारोहण। जनपद पंचायत अध्यक्ष इस दौरान रहे उपस्थित। आठनेर ग्राम देहगुड़ पहुंची विकसित भारत संकल्प यात्रा। यात्रा में ग्रामीणों को योजनाओं की दी जानकारियां। वहीं हितग्राहियों से किया गया संवाद। भैंसदेई नगर के अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में कल जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की उपस्थिति में हुआ ध्वजारोहण। धूमधाम के साथ मनाया गया 75वां गणतंत्र दिवस। भैंसदेई दामनगांव में राष्ट्रीय सम्मान के साथ हुआ ध्वजारोहण। छात्रों ने दी देशभक्ति गीतों पर प्रस्तुतियां।